हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं मेरे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में एट गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स पे मैंने इंटर्नशिप करी थी फोर्थ ईयर में एज ए टेक्निकल कंटेंट राइटर, और उस इंटर्नशिप के पार्ट में मैंने क्या क्या सीखा, क्या मेरे को बेनिफिट्स हुए, मेरी लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा था, और अगर आपको भी वो इंटर्नशिप परस्यू करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, वही हम आज सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो यार शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थैंक्स एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं चैनल पे, तो थैंक्स फॉर योर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। हम ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे, आप सपोर्ट करते रहिए। एक रिक्वेस्ट और मेरी इसके साथ आपसे, जब आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट करते हो या फिर लिंक्डइन पे रीच आउट करते हो, तो यार जैसे आप सिर्फ हाय हेलो लिख के मत भेजा करो, जस्ट टाइप ऑल योर क्वेरी, जो भी आपको पूछना है, जो भी आपका कंसर्न है, आप ईमेल के थ्रू या फिर कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू आप जब रीच आउट करते हो तो सारी क्वेरी के साथ आप मैसेज करो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड हेल्प यू। आई एम होपिंग कि आपको पता होगा कि गीक्स फॉर गीक्स क्या है। जिन लोगों को नहीं पता, गीक्स फॉर गीक्स यार एक वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो कंटेंट प्रोवाइड करती है टू प्रिपेयर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज। आपको कोई भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। तो वो है बेसिक इंट्रोडक्शन गीक्स फॉर गीक्स का। अब हम बात करते हैं कि जब मैंने इंटर्नशिप करी तो वो कैसे थी। तो जो मेरी इंटर्नशिप थी वो वर्क फ्रॉम होम थी। जैसे आजकल कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप आपको मिलेगी, वैसे ही मैंने कॉलेज से इसमें काम किया था। मेरा काम क्या था कि मैं आर्टिकल्स लिखने होते थे। अब आर्टिकल्स किसके ऊपर लिखने हैं, आर्टिकल्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई भी टॉपिक पे लिखता था। जैसे मेरे को कोई लिनक्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, या फिर मेरे को कोई एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करनी है, या फिर मेरे को कोई एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उसको और इम्प्रूव करना है, या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट आइडियाज के रिलेटेड, तो ऐसे ही सारे के सारे मेरे आर्टिकल्स हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में वो आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा थोड़े बहुत कि कौन से आर्टिकल्स मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, तो वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। इस इंटर्नशिप की खास बात ये थी कि आई यूज टू वर्क एट माई ओन पेस। ऐसा कुछ नहीं था कि आपको एक महीने के इतने आर्टिकल्स लिखने या फिर आपको एक दिन के लिए इतने आर्टिकल्स कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं। मैं अपने हिसाब से अपने फ्री टाइम में आर्टिकल्स लिखता था और उसी हिसाब से आई वॉज बीइंग पेड। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि मेरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था। तो सिलेक्शन के लिए मैंने क्या किया था, आई रोट वन आर्टिकल एंड पब्लिश्ड ऑन गीक्स फॉर गीक्स, और उस आर्टिकल का रेफरेंस मान के मैंने ईमेल किया था गीक्स फॉर गीक्स टीम को कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस इंटर्नशिप एंड दिस इज द रेफरेंस आर्टिकल विच यू कैन सी कि अगर मैं इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। तो उस आर्टिकल के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हो गया था टू राइट मोर आर्टिकल्स, और एज पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप आई रोट टोटल ऑफ 54 आर्टिकल्स। वो 54 आर्टिकल्स सारे मैंने अपने पर्सनल वेबसाइट पे लिंक ऐड किए हुए हैं। हम एक बार उनको देखते हैं कि उन कौन से आर्टिकल्स थे, तो जल्दी से उस लिस्ट से गो थ्रू करते हैं हम। सो दिस इज द लिस्ट आर्टिकल जो मैं आपको बता रहा था कि कौन से आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं। तो जैसे टोटल 54 आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं, और इसमें आपको हर टाइप के आर्टिकल मिल जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मैंने लिनक्स पे आर्टिकल्स लिखे, तो कोई मेन पेज कैसे यूज करते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर कमांड कैसे यूज होता है, फोक कैसे यूज होता है, ऐसे आपको आर्टिकल्स इसके अंदर मिल जाएंगे। फिर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड भी इसके अंदर आर्टिकल मिल जाएंगे। फिर मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ एल्गोरिथम में और इम्प्रूव करना है, या फिर उसकी कोई और अप्रोच है जिससे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो वैसे भी कुछ आर्टिकल्स आपको इसके अंदर दिख जाएंगे। तो ये कि ये सारी की सारी लिस्ट है। जैसे हम अगर एक आर्टिकल को ओपन करें इसमें, तो सपोज कि वी ओपन दिस आर्टिकल गेट इमोशंस ऑफ इमेजेस यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एपीआई। तो इस आर्टिकल को हम खोल के देखते हैं एक बार कि इसमें क्या है। तो लेट इट ओपन वंस। तो अगर आप देखोगे इसमें बेसिक मैंने जो ऊपर डिस्क्रिप्शन ऐड किया हुआ है, फिर एक सिंपल सा प्रोग्राम है, और ये मेरा प्रोजेक्ट का लिंक भी है। तो अगर आपको ये मैंने छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल समझा दिया इस आर्टिकल के अंदर, अगर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे यूज हुआ था, तो वो ये जो स्नैपलूक प्रोजेक्ट है जो मेरे गिटहब प्रोफाइल पे आपको दिख जाएगा, उसके ऊपर सारा का सारा डिस्क्रिप्शन एडेड है।
ये हो गया एज पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप मैंने काम क्या किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब मैंने ये इंटर्नशिप करी तो उसको मेरे को क्या बेनिफिट्स हुए, क्या मेरी पर्सनल ग्रोथ में बेनिफिट्स हुए, क्या मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ में बेनिफिट्स हुए। तो नंबर वन जो बेनिफिट था वो था मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि मैं आर्टिकल्स अपने इंटरव्यू में जो प्रिपेयर कर रहा हूँ उन्हीं के रिलेटेड लिखता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प हो गई। नंबर टू इसमें कि आपको पे किया जाएगा फॉर द ऑल द आर्टिकल्स यू हैव रिटन, तो जैसे भी आपके आर्टिकल की कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी उस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से यू आर पेड। और जैसे मैंने अपने आर्टिकल्स का जब एवरेज निकाला था कि टोटल वैल्यू जो मैंने अर्न करी तो अराउंड 600-700 आपको आराम से मिलते हैं एक आर्टिकल के, तो ये मेरी एवरेज निकाली हुई थी। वैसे डिपेंड करता है कि जैसे आर्टिकल की कॉम्प्लेक्सिटी है कि आपका जो आर्टिकल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आपको ज़्यादा मिलेंगे, या फिर आपका आर्टिकल थोड़ा ईजी लेवल का है कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला है तो उसमें यू विल बी पेड लेस। तो ये एक था दूसरा फायदा। नंबर थ्री फायदा ये था कि मेरी कॉलेज अटेंडेंस में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया। तो जैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जो अटेंडेंस भी चाहिए होती है तो उस टाइम पे इतना आपका फोकस नहीं रह पाता कि आप क्लास में जाओ, क्योंकि आपकी उसकी प्रिपरेशन हैम्पर हो सकती है। तो उससे इंटर्नशिप से मेरे को एक फायदा ये हो सकता है कि आपकी ये कॉलेज में ना हो, पर डेफिनेटली मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया था। नंबर फोर, इट एड्स ग्रेट वैल्यू टू योर रिज्यूमे। वैल्यू एड कैसे, जब आप राइटिंग करते हो या फिर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो आपके अंदर वो स्किल आती है कि आप अपने जो दिमाग में चल रहा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। और उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप अपने जूनियर्स को मेंटर करो। तो वो सेम चीज यहाँ पे भी दिख रही है कि एक बार आपको कोई चीज आपने सीखी है वो आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। ये एक एग्जांपल हो गया। अब मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं कि कैसे मेरे को इस एक्सपीरियंस ने मेरे इंटरव्यूज में हेल्प किया। तो जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा था अपने प्रोजेक्ट के लिए कि मैंने ये प्रोजेक्ट ऐसे इंप्लीमेंट किया था। अब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि इस अप्रोच जो आपने इंप्लीमेंट कर दिया, ये अप्रोच आपकी जो आपने इंप्लीमेंट किया है ये 100 लोगों के लिए चल जाएगा, क्या ये मीडियन लोगों के लिए स्केलेबल है, क्या ये 100 मिलियन पीपल के लिए स्केलेबल है। तो वो जो मेन चीज है वहां पे कि आप कैसे सॉल्यूशन को स्केलेबल बनाते हो, कैसे आप कोई अप्रोच डेराइव करते हो, कैसे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक करते हो, वो आपसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो यार कि अगर आपको कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो आप वो सिंपल तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आपको एक फोटो शेयरिंग ऐप बनाना है इंस्टाग्राम का जैसा, तो आपको अगर रिएक्ट आता है या फिर कोई भी यूआई फ्रेमवर्क आता है तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और वो कुछ लिमिटेड ऑडियंस के लिए चल भी जाएगा। पर क्या वो इतनी ऑडियंस को सर्व कर पाएगा जितनी इंस्टाग्राम करता है? नहीं कर पाएगा। वो स्केलेबल अप्रोच से निकल के आना, वो अप्रोच डेराइव करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैंने अभी आपको ये ज्ञान दिया, ये काम कैसे किया, तो आपका इंटरव्यू का कुछ टाइम आपके रिज्यूमे के अंदर जा रहे हैं कि इस बंदे ने ये काम किया है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम जा रहा है, तो वो डेफिनेटली वैल्यू एड होता है आपके जो इंटरव्यू का फाइनल फीडबैक जाता है। अब और आगे चलते हैं कि आपको ये पता लग गया कि क्या मेरा एक्सपीरियंस था, क्या मेरे को बेनिफिट्स हुए, क्या मैंने काम किया। अब अगर आपको ये इंटर्नशिप करनी है तो आपको आइडियाज कैसे आएंगे, तो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को कैसे आइडियाज आते थे और कैसे मैं उनको लिखता था एज ए पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप। तो जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्व कर रहा हूँ गिग्स फॉर गिग्स से। अब मैंने जब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व किया, मैंने देखा कि इस क्वेश्चन को और तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है इसको और ऑप्टिमाइज्ड वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर एक आर्टिकल लिख सकता हूँ। सिमिलरली जब मैं लिनक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने कुछ रेफरेंसेस के लिए काफ़ी वेबसाइट्स पे जाके पढ़ा और मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया, पर उसका क्या कर सकता हूँ, मैं सबका कंबाइन करके और मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक नया आर्टिकल लिख सकता हूँ जो अच्छे से समझाएगा कि ये इसका डिस्क्रिप्शन है पर्टिकुलर अगर कमांड को हम देखें, और उसके कुछ एग्जांपल्स हम खुद ट्राई आउट करके उनका आउटपुट वहां पे दे सकते हैं। तो अगर कोई नया बंदा उस आर्टिकल से पढ़ेगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। सिमिलरली जो मैंने आपसे एक इंटरव्यू के लिए आपको बताया था कि जब मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए थे, मैंने उनको सिंपली एक प्रोग्राम में डेराइव करके फिर वहां पे आर्टिकल लिख दिया, पूरा प्रोजेक्ट शेयर नहीं किया,
पूरा प्रोजेक्ट आपको गिटहब पे मिल जाएगा, पर वहां पे मैंने क्या किया, एक सिंपल सा प्रोग्राम डिराइव किया, वो जो प्रोजेक्ट आइडियाज है कि किसी को अगर इम्प्लीमेंट करना है, कि कोई सीख कर रहा है कि मेरे को कैसे प्रोजेक्ट आइडियाज देखने हैं, तो वो उन आर्टिकल से हेल्प ले सकता है। जब फाइनली एक बात बता दूं आपको कि दिस इज नॉट अ रिसेंट एक्सपीरियंस, ये मैंने अपने फोर्थ ईयर में किया था अराउंड 3 ईयर्स बैक, तो ये तब का एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कि थोड़ा जो प्रोसीजर है गीक्स फॉर गीक जैसे इंटर्नशिप के लिए हायर करती है वो चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दूंगा कि आप गीक्स फॉर गीक्स पे कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड हाउ कैन यू अर्न मनी फ्रॉम इट। एक यहाँ पे मेरी पर्सनल सजेशन, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप जरूर करो यार इसको, जस्ट गिव इट अ शॉट इन योर कॉलेज टाइम और उसके आर्टिकल्स आप लिख सकते हो। इसका फायदा क्या होगा, आपको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में फायदा हो रहा है, आपके कुछ पॉकेट मनी आ रही है जो इंजीनियर्स को काफी ज्यादा जरूरत होती है, तो काफी सारे फायदे हैं और कोई भी नुकसान आपका नहीं हो रहा है यहाँ पे। और अगर आपको कंटेंट राइटिंग एज ए कैरियर परस्यू करना है तो यार आपको हेडस्टार्ट मिलेगी एज ए पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप। इसके साथ ही आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।